पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मुरादाबाद में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने भाजपाइयों ने धरना दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगातार नारेबाजी की। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा कहा गया कि झारखंड राज्य से निर्वाचित कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के परिसरों से लगभग 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। किसी के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होना चिंतनीय और गंभीर विषय है, और वो भी जब वो भारतीय संसद के सदस्य हो। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। अरे बाकी पीछे हो जाओ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भारत सरकार को भेज रहे हैं, जिसमें विषय है ये जो झारखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद से 300 करोड़ की नकदी ईडी के द्वारा प्राप्त हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारकर जो 300 करोड़ की नकदी कांग्रेस पार्टी के सांसद से राज्यसभा के सांसद से प्राप्त की है, उसके कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ये पोल खोलती है। कांग्रेस ही कितने भ्रष्टाचारी हैं ये आज भी सब देख रहे हैं। पूरे सब हिंदुस्तान को ज्ञात हो रहा है कि कांग्रेस ही जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ वहाँ कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। देश को लूटने का काम इस कांग्रेस का है। तो उसी के संबंध में आज हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और हमारी अपील है कि इन लोगों को गंभीर जो अपराध है, ये गंभीर अपराध है, 300 करोड़ की नकदी प्राप्त हुई है, गंभीर अपराध है, इन लोगों को सबको जेल जाना चाहिए। और राज्य हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन सबको जेल भिजवाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।